नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि जितने भी आप लोग IELTS प्रोफेशनल यहाँ पर मेरी वीडियो को देखने सुनने और अपनी स्टडी के लिए आते हैं, तो आप लोग अच्छे से होंगे, भली भांति होंगे और अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ भला हो सके, आप लोगों का प्रिपरेशन सही हो और आप लोगों का सिलेक्शन हो। मेरी ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, डेली वीडियो पहले नहीं डालता था मैं, वीकली वीडियो डालता रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हैं कि सर कंटिन्यू डेली वीडियो दीजिए। तो उसी कड़ी में आज फिर वन लाइनर है, कल से देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फिर MCQ टाइप के ही कराए जाएँ। कल या परसों से कराऊँगा उसको, है ना। अगर कल वीडियो नहीं भी दे पाया तो परसों से कराया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। और शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, हमारा मार्क सेकंड कब लॉन्च किया गया था? तो 1969 में मार्क सेकंड या मार्क टू लॉन्च किया गया था। मार्क 21 का उद्भव वर्ष क्या है? तो मार्क 21 का उद्भव वर्ष 1999। किस किस के सहयोग से मिलकर के मार्क 21 बना था? तो US मार्क और केन मार्क दोनों के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCF का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका है, CCF का प्रथम संस्करण 1984 में तथा दूसरा संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यह है CCF, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जिसको हम पूरा रूप में बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो कुल 8 अनुच्छेद मुख्य प्रविष्टि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 अनुच्छेद होते हैं क्लासिफाइड कैटेलॉग के, और AACR2 के होते हैं 8। दोनों के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। AACR2 में भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो ये प्रावधानों के अनुरूप लेखक सहकारक संस्था या आख्या का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में शीर्षक में भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो यह क्रमांक अंक या बोध नंबर, क्रमांक या बोधांक या काल नंबर भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। AACR2 में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो दोस्तों, संकेतन कार्य AACR2 के मुख्य प्रविष्टि में सबसे नीचे यानी कि नोट सेक्शन के बाद किया जाता है, और यही ट्रेसिंग कार्य या संकेतन कार्य हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार कहाँ करते हैं? आ गया ये क्वेश्चन भी, तो प्रविष्टि के अनुसार कहाँ किया जाता है? तो CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कार्ड के पीछे संकेतन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN का पूरा नाम क्या है? तो ISSN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन नंबर, और ISBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों, फिलहाल ये 13 अंक का होता है, और जनवरी 2007 से पहले 10 अंकों का होता था। ISSN अंक कितने का अंकों का होता है? तो ISSN अंक हमारा 8 अंकों का होता है फ्रेंड्स। और ISSN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह RRF कार्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसका हेड ऑफिस आप बताइए कमेंट्स करके कहाँ है RRF का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 44वां 44th एडिशन पब्लिश हुआ है PDF के रूप में। और कब पब्लिश हुआ है? तो यह सन 2022 में 24वां एडिशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसको हम SLSH भी कहते हैं, का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब आया था? तो ये 1923 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। किसने प्रकाशित कराया था? ये कौन थे इसके लेखक? तो सीयर्स महोदय थे। और किस नाम से हुआ था? तो ये है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो मध्यम और छोटे आकार के पुस्तकालयों के लिए क्या उपयोगी होता है? तो इसका आंसर है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग छोटे और मध्यम प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी होती है। CCF का विकास किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन है हमारा, CCF का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो CCF का विकास हमारा किया गया था यूनेस्को के द्वारा।
सीसीएफ का पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन ने कौन सी विकसित की थी पद्धति, श्रृंखला पद्धति विकसित की थी, चेन प्रोसीजर। इसका उद्भव किस वर्ष हुआ था, तो इसका उद्भव हुआ था 1938 में, और रंगनाथन ने इसका जिक्र कहाँ किया था, तो उन्हें अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में इस बात को दिया था। श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, विषय निर्माण की एक विधि है, उसके कितने चरण होते हैं, तो उसके 6 चरण होते हैं, यह 6 चरण वाली एक प्रक्रिया है, कौन श्रृंखला प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन में वर्गांग निर्माण के लिए कितने चरण होते हैं, दोस्तों वर्ग निर्माण के लिए कोलन क्लासिफिकेशन में 9 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण ग्रंथ सूची वर्गीकरण बीसी के द्वारा तैयार किया गया है, तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हमारे एचई ब्लिस के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे स्तर के टाइम आइसोलेट T2 जिसको कहते हैं को पहले लेवल टाइम आइसोलेट T1 के नंबर के साथ कोलन वर्गीकरण में जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो वहाँ एक कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया गया, उसको कहते हैं हम डॉट। FID और ओब्लिक CCC में CC का मतलब क्या है, तो यहाँ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ना होकर के यहाँ क्या है, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी FID के संदर्भ में दिया गया है उसका नाम, शॉर्ट में CC कहते हैं सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी को FID के संदर्भ में, अब क्लासिफाइड कोड के संदर्भ में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो जाएगा। इस इंडेक्सिंग सिस्टम में रोल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रेसिस में रोल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ISBD ER में ER का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक संसाधन या रिसोर्सिस। डबलिन कोर का संबंध किससे है, तो वह मेटा डाटा से है, डबलिन कोर मेटा डाटा है। कैटेलॉग कार्ड का मानक आकार कितना होता है दोस्तों, तो इसका अगर सेंटीमीटर में करते हैं बात तो 7.5 सेंटीमीटर होता है, और इंच में बात करते हैं तो 5.5 इंच × 3 इंच इसका आकार होता है। एक कैटेलॉग कार्ड की मोटाई क्या होती है, तो दोस्तों इसकी कैटेलॉग कार्ड की जो थिकनेस होती है 0.2 सेंटीमीटर से लेकर 0.2 mm तक मोटाई होती है, दोनों ऑप्शन है। अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 0.25 सेंटीमीटर है, और mm में बात करते हैं तो 0.025 है। दुनिया में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली थिजोरस कौन सी थी, तो रोजेट थिजोरस सबसे पहली थिजोरस थी। कोलन वर्गीकरण के किस संस्करण को फ्रीली फेस्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जाना जाता है, तो कोलन क्लासिफिकेशन का 5th, 4th और 6th, ये 3 एडिशन है जो हमारे फ्रीली फेस्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जाने जाते हैं। कोलन वर्गीकरण के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसिस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में जाना गया, वह 7वां संस्करण है। नवीनतम ISBN संख्या कितने अंकों की होती है, तो अभी बताया था आपको 13 अंकों की होती है, वर्तमान में पहले 10 अंकों की होती है। रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित पद्धति क्या है, जिसका प्रयोग हम पीरियडिकल कंट्रोल सीरियल कंट्रोल पीरियडिकल सेशन में करते हैं, और एक हिंट्स दे दूँ उसमें 3 कार्ड बनते हैं, तो उस पद्धति का फ्रेंड्स नाम है, याद आ गया ना आपको, उस पद्धति का नाम है हमारी कार्डेक्स पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत खोज पुनर्प्राप्ति में उपयोग किए जाने वाले शब्दों एंड और नोट का उपयोग क्या कहलाता है, किस रूप में किया जाता था, हम इसको बुलियन ऑपरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं, बुलियन ऑपरेटर ये कहलाते हैं। स्थानीय विविधता सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये हमारा कैटेलॉगिंग से संबंध है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिफिकेशन वेरिएशन वेरिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन को, देखिए इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसको पद्मश्री की उपाधि मिली थी, तो डॉक्टर रंगनाथन को। कब मिली थी, तो 1957 में। किस फील्ड से संबंधित थे, तो वो पुस्तकालय विज्ञान से थे। अब इसको देखते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति उनकी पहचान सेवा के लिए भारत सरकार ने उनको कब किस पद से सम्मानित किया था, तो उन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। BS केशवन भारत के किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, तो BS केशवन भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे।
बी एस केशवन को किसका पिता कहा जाता है? तो बी एस केशवन को भारतीय ग्रंथ सूची का पिता भी जाना जाता है या कहा जा सकता है। और राष्ट्र के प्रति उनकी महान सेवा के लिए भारत सरकार ने 1960 में उन्हें भी सम्मानित किया था पद्मश्री से। भी इसलिए लगा रहा हूँ कि उससे पहले डॉक्टर रंगनाथन को दिया गया था। अगर केवल आता है कि किसको दिया गया तो डॉक्टर रंगनाथन, अगर भी शब्द इस्तेमाल होता है तो या दूसरे व्यक्ति को तो डॉक्टर रंगनाथन के साथ साथ बी एस केशवन जी को दिया गया था। फादर ऑफ लो ओपन एक्सेस सिस्टम इन लाइब्रेरीज किसको कहा जाता है? तो वो हमारे JD Brown है, JD Brown। FID की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो FID की स्थापना हुई थी हमारी 12 सितंबर 1995 में, कहाँ पर? ब्रुसेल्स में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दो लोग कौन थे? तो लुपा ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन थे। किसके नाम से हुई थी FID की स्थापना? तो वो हुई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इस नाम से हुई थी। और इसका नाम फिर बदल दिया गया था 1988 में। इफ्ला का नाम कब परिवर्तित किया गया? 1988 में। किस नाम से परिवर्तित किया गया और वर्तमान नाम है? तो इसका वर्तमान नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर पुनः 2002 में विघटित कर दिया गया था इफ्ला को। माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक वर्गीकरण क्या कहलाता है? डेप्थ क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेंट फेसेट का अर्थ होता है छिपा हुआ भाग। ऑन्टोलॉजी का अर्थ है इंटरनेट पर आधारित वर्गीकरण। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रयोग मोर्स के द्वारा किया गया था। MAR2 प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा हुई थी। MAR2 ACR2 का नवीनतम संस्करण किस रूप में उपलब्ध है? तो ACR2 का नवीनतम संस्करण हमारा है RDA के रूप में। RDA का पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 2010 से प्रकाशित हुआ था। CRG की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तो CRG क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप पूरा नाम है। 1952 इसकी स्थापना वर्ष है। डेरिक आइंस्टीन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइए। लाइक तो करेंगे ही आप, ऐसी आशा है, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर लाइक भी नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और फ्रेंड्स थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद MCQ स्पेशल फॉर राजस्थान लाइब्रेरियन Grade 3। बाकी सब लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। दो तीन वीडियो आई थिंक दे चुका हूँ ना मैं MCQ की, और फिर शुरू हो जाइए MCQ के लिए ही। एक दो वीडियो और दे दूँगा आपको वन लाइनर की, आपकी लोगों के लिए बहुत अच्छी आप तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।